अरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। फिलहाल आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन टैप हेडशॉट के बारे में। चाहे आपके पास कोई भी गन हो, चाहे आपके पास डेजर्ट गन हो, चाहे आपके पास इमेजिंग शॉट गन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसा प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। ये सारी प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स है एंड ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एक बार आप लोग जान जाते हो ना तो गाइस आप लोग हर गन से वन टैप हेडशॉट काफी आसानी से मार पाओगे। जैसे कि M10 हो गया, इमेजिंग शॉट गन हो गया, डेजर्ट गन हो गया, M500 हो गया, ये सारी गन से आप लोग बहुत ही आसानी से वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। अगर ये वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल देख लिया ना तो गाइस आप लोग वन टैप हेडशॉट काफी आसानी से मार पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक YouTube पे कोई नहीं बताया होगा एंड बहुत ही न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स है ये सारी टिप्स। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। तो चलो और बताते हैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। बट अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ ही बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना। अगर आप लोगों को डायमंड वगैरह चाहिए ना तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके मेरे को फॉलो कर देना, मेरे को DM कर देना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं बात करते हैं सारी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। बात करते हैं पहला ट्रिक के बारे में, जो पहला ट्रिक है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से रखना। अगर आप लोगों को पता होगा फ्री फायर में दो वन टैप हेडशॉट होते हैं, एक होता है नॉर्मल खड़ा होकर वन टैप हेडशॉट, एक होता है जंप वन टैप हेडशॉट। जैसे कि देख सकते हो इस तरह से, एक ऐसे नॉर्मल खड़ा होकर वन टैप हेडशॉट, एक होता है जंप करके वन टैप हेडशॉट। अगर इसमें से आप लोगों को कौन सा सीखना चाहिए, पहले कौन सा सीखना चाहिए, बहुत लोग सोचेंगे पहले आप लोग ऐसे खड़ा होकर वन टैप मारना सीखना चाहिए। तो अगर आप लोग वन टैप का प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे नॉर्मल आके खड़ा होकर वन टैप मारने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसे आप लोगों का कभी भी वन टैप नहीं लगने वाला। अगर आप सही में वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो ना तो वैसे आप लोगों को एक चीज करना पड़ेगा, हर समय से दौड़ के जंप करना है, हेडशॉट मारना है। ठीक है, ऐसे जंप करना है, हेडशॉट मारना है। आप ऐसे खड़ा होकर जितना भी ड्रैग कर लो, मैंने फुल ड्रैग कर रहा हूं तो भी मेरा वन टैप नहीं लग रहा है। लेकिन अभी देखो मैंने यहाँ पर दौड़ के गया, जंप किया, वन टैप मार दिया, दिख रहा है कैसे वन टैप लग गया। अगर आप लोग जब भी वन टैप ट्राई करो ना, हर समय जंप एंड शूट, जंप एंड शूट। आप लोग कभी ऐसे नॉर्मल खड़ा होकर वन टैप मारना मत सीखना, ऐसे आप लोग वन टैप बिल्कुल भी सीख नहीं पाओगे। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ऑलवेज टाइम जंप एंड शूट, इससे वन टैप आप काफी आसानी से सीख पाओगे। अब ये जो टॉपिक है ना, ये है परफेक्ट एम ब्लॉक, अपना एम को कैसे ब्लॉक करवा सकते हो बंदे की हेड पे। ठीक है, चाहे आपके पास कोई भी गन हो, डेजर्ट ईगल लो, M500 हो, M18 शॉटगन हो, कोई भी गन हो, उस गन का एम को आप कैसे हेड तक लॉक कर सकते हो। ठीक है, जब हेड तक लॉक हो जाएगा ना तब ऑटोमेटिकली हेडशॉट लग जाएगा। अब यार हेड तक लॉक कैसे करें, ठीक है उसके बारे में बात करते हैं। अबे आप लोगों को जो मिडिल पे दिख रहा है ना क्रॉस ईयर, तो इसमें ट्रिक छुपा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो क्रॉस ईयर है ना, जब आप एनिमी के ऊपर ले जाओगे ना, देखो रेड कलर हो गया, जब एनिमी से दूर ले जा रहा हूँ ना तो ये देखो व्हाइट कलर हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को बता देता हूँ, आप जब भी ड्रैग करो ना तो ये चीज ध्यान में रखना है, क्रॉस ईयर रेड कलर होना चाहिए। अगर एक क्रॉसर व्हाइट कलर होगा ना तो गाइस आप लोग ड्रैग करोगे ना तो गाइस आप लोग ऐसे एम ऊपर की तरफ ड्रैग हो जाएगा एंड आप लोगों का हेडशॉट बिल्कुल नहीं लगेगा। तो गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, सो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपना क्रॉसर जब ऐसे रेड कलर होगा ना तब आप लोगों को ऐसे ड्रैग करना है, इजिली वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जंप नहीं किया इसलिए वन टैप नहीं लगा, लेकिन आप लोगों को एक ट्रेनिंग ग्राउंड का क्लिप दिखा देता हूं स्लो मोशन। देखो मैं यहां पर पहले जंप किया, मेरा क्रॉसर रेड कलर हुआ और मैं हल्की सी ड्रैग किया, कितना आसानी से वन टैप हेडशॉट लग गया। तो गाइस ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, अपना क्रॉसर हर समय रेड कलर होगा उसी समय ड्रैग करना है। सो गाइस ये काफी अच्छा ट्रिक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है। सो गाइस अभी जो चीज